वाइज 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 मैंने एक छोटी सी निस्बत दो तीन शेर की उसके बाद गजल सुना था। ये कमेटी की फरमाइश है। इदीस भाई कहाँ हैं और राकेश बाबा कहाँ हैं? इदीस भाई नैयर दमोही की गजल सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ यार लूंगा यार, सबसे बड़ा नाम उसका है, नाम लूंगा जरूर लूंगा। और हमारे जमा खान साहब, क्योंकि आज मैं जो आइटम्स लेकर आया हूँ इंशाल्लाह सारे सुना के जाऊंगा। बहुत सी फरमाइशें हैं, बहुत सी गजलें हैं, साथ जो भी आपने फरमाइश की सब सुना के जाऊंगा। और थोड़ा मुझसे भी सुनिए जो मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ से इस दरबार से हाजिरी के बाद मुझे हज की शहादत नसीब हुई। ये मेरे सरकार का करम है, क्योंकि अब तो आ जाओ। इसके बाद एक बड़ी जहरीली गजल पढ़ रहा हूं, इंशाल्लाह। लोग कहते हैं कि चंदिया में गजल कम सुनते हैं, इसके बाद गजल सुनने लगेंगे इंशाल्लाह। और वो जो आपने फरमाइश की है वो भी सुनाता हूं, थोड़ा सब्र करें। अब तो आ जाओ खुदा के लिए, कुछ गैर नहीं। अब तो आ जाओ खुदा के लिए, कुछ गैर नहीं। एक मैं हूं और एक आलम तन्हाई है, जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है। और पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है, और पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है। पहले कमेटी से भी तवज्जो चाहूंगा। हेलो, थोड़ा इको दो। हेलो, वो जो खुशबू नहीं हवा भी नहीं, वो जो खुशबू नहीं हवा भी नहीं, मैंने उसको कभी छुआ भी नहीं। वो जो खुशबू नहीं हवा भी नहीं, मैंने उसको कभी छुआ भी नहीं। क्या बात है, हम कहीं और, हम कहीं और दिल लगा लेते, वाह तेरे जैसा कोई मिला भी नहीं, तेरे जैसा कोई मिला भी नहीं। राकेश बाबा, बादशाही ना खजाने में मजा आता है। वाह, बादशाही ना खजाने में मजा आता है, खाके दर सर पे लगाने में मजा आता है, और खिदमत पीर से ऊंचा मकाम मिलता है, इसलिए पीर के पांव दबाने में मजा आता है। इसलिए पीर के पांव दबाने में मजा आता है।
मतलब कसम खुदा की राकेश बाबा सुभान अल्लाह मतलब से एक एक नूर आ जाएगा महफिल में। समा फरमाए जो बिके किसी के हाथों ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जो नौगज़े सरकार के दीवाने बैठे हैं और जो अपने पीर के दीवाने बैठे हैं हमारे जमा खान साहब से बतौर खास मतलब सुनना। जो बिके किसी के हाथों जो बिके किसी के हाथों जो बिके किसी के हाथों ये वो आईना नहीं है। जो बिके किसी के हाथों ये वो आईना नहीं है। फैज भाई आज गिरे पहुंचा रहा हूं इंशाल्लाह। और कभी कभी ऐसी महफिल मिलती है राकेश बाबा जो बिके किसी के हाथों ये वो आईना नहीं है। तर्ज अमल हयात का ऐसा दिखाई दे हमारे तनवीर भाई कटनी से आए हैं। तनवीर के मतलब नूर नूर का होता है सुभान अल्लाह। तर्ज़े अमल हयात का ऐसा दिखाई दे मरने के बाद कब्र में जिंदा जिंदा दिखाई दे ऐसी नजर खुदा मुझे कर दे अगर आता देखू जो आईना तेरा चेहरा दिखाई दे। जो ज़ैनब फुलवारवी बहुत मशहूर शायर वो कहते हैं लफ्ज आईना एक माशूक है एक माशूक है दूसरा आईना आईने पर फिदा हो गया आईना तुझ में मैं देख लूं मुझ में तू देख ले तू मेरा आईना मैं तेरा आईना। जो बिके किसी के हाथों ये वो आईना नहीं है। इदरीस भाई कल दुरूद में दुरूद के प्रोग्राम में शाब भाई अजीम नाजा ने चार मिसरे भेजे थे ओ हो सरा पर रूबरू आओ तो कोई बात बने सरा पर रूबरू आओ तो कोई बात बने त
तसल्ली दिल को ये तस्वीर से नहीं मिलती। मेरी निगाह ने चेहरे हजार देखे हैं, मेरी निगाह ने चेहरे हजार देखे हैं, किसी की शक्ल मेरे पीर से नहीं मिलती, किसी की शक्ल मेरे पीर से मतलब सुना रहा हूं लेकिन ये भी नैयर दमोही है। राकेश बाबा तनवीर के माने नूर के होते हैं। एक नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं। मैं तनवीर भाई के लिए एक मिसरा पढ़ना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। तनवीर भाई के लिए। सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। सुलगती धूप नई चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, और गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। दो फ्लाइट बदल के बड़ी मुश्किलों से आज आया हूं, सरकार ने बुलाया है, लेकिन अब भी मुझे अपने घर की फिक्र नहीं है। राकेश बाबा क्यों? एक नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, एक नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं। क्या बात है तनवीर भाई। हम माहे मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। मैं नौगज़े की महफिल को सजाने में लगा हूँ, सरकार मेरे घर की तरफ देख रहे हैं। एक नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, वाह। हम माहे मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। मैं पीर की महफिल को सजाने में लगा हूँ, सरकार मेरे घर की तरफ देख रहे हैं। तनवीर भाई, फैज भाई, एक ऐसा शेर याद आया है, अभी भोपाल में पढ़ा था,
इंशाल्लाह। अभी भोपाल में पढ़ा था इस शेर को, बड़े लोग मचल गए थे। आम आदमी जब मरता है तो बड़े कम लोग आते हैं, और कभी कभी ईद के दिन मजार पे चले जाते हैं, क्योंकि और नौगजे सरकार के उर्स में इतने लाखों लोग क्यों आए हैं, इसकी वजह सुना रहा हूं। हर कोई तेरे रोजे का मंगता है आज भी, घर घर में तेरे हुस्न का चर्चा है आज भी। रोता नहीं मैं तेरी जुदाई में इसलिए, रोता नहीं मैं तेरी जुदाई में इसलिए, रोता नहीं मैं तेरी जुदाई में इसलिए, मुर्शिद मेरा मजार में जिंदा है आज भी। गजल सुना रहा हूं। जो बिके जो बिके किसी के हाथों, जो बिके किसी के हाथों, ये वो आईना नहीं है। जो बिके मतलब सुनिए इंशाल्लाह, ऐसा लगेगा कि नौ बजे फिर महफिल में आए हैं। अल्लाह हू अकबर। राकेश बाबा, जो बिके किसी के हाथों, ये वो आईना नहीं है। जो बिके किसी के हाथों, ये वो आईना है। मेरे दिल 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 मेरे दिल 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 मेरे दिल मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। सुनने वाले बड़ी खतरनाक गजल पढ़ रहा हूं उसके बाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक मतला फैज भाई और सेवरा उर्स कमेटी से भी तवज्जो, जो मेरे मेहमान दोस्त आए उनसे, जो मेरे बुजुर्ग बेटे हैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह हू अकबर। रही दूर उससे मंजिल जो तेरा हुआ नहीं है, रही दूर उससे मंजिल रही दूर उससे मंजिल जो तेरा हुआ नहीं है। भाई तेरे रास्ते से बढ़कर
तेरे रास्ते से बढ़कर कोई रास्ता नहीं हमारे राकेश बाबा भी बहुत अच्छी महफिल करते हैं, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। एक शेर अभी स्टेज पर लिखा है, ये शेर स्टेज पर हुआ है। मेरे दुश्मनों से कह दो मुझे आंख ना दिखाए, मेरे दुश्मनों से कह दो मुझे आंख ना दिखाए, मेरे दुश्मनों से कह दो मुझे आंख ना दिखाए, मेरे दुश्मनों से कह दो मुझे आंख ना दिखाए। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई तो ढाल बनकर सामने उसकी दुआएं आ गई। वाह, बहुत अच्छा शेर हुआ है। मेरे दुश्मनों से कह दो मुझे आप ना दिखाए, नसीब भाई आपके लिए शेर सुना रहा हूं। मेरे दुश्मनों से कह दो मुझे आंख ना दिखाए, मैं गुलाम कादरी हूं, मैं गुलाम कादरी हूं, उन्हें ये पता नहीं है। ये भी नैयर दलोई है राकेश बाबा। मुझे ना तवाना समझो, मुझे ना तवाना समझो, मेरी मुफलिसी न देखो, मुझे ना तवाना समझो, वाह वाह वाह, मेरी मुफलिसी न देखो, मुझे ना तवाना समझो, मेरी मुफलिसी न देखो, क्यों मेरा पीर बादशाह है, मेरा पीर बादशाह है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरा पीर बादशाह है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरा पीर वाकई आप सुनते भी ऐसे हैं और शायरी भी ऐसी की है।
नैयर दमोई साहब ने अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। कहीं दर बदर ना भटके, कहीं दर बदर ना भटके, न कहीं की खाक छाने, कहीं दर बदर न भटके, न कहीं की खाक छाने, न कहीं की खाक छाने, तेरे दर पे आए जिसका, तेरे दर पे आए जिसका कोई आसरा नहीं, एक मिनट लफ्ज दर आया है, ये मेरे उस्ताद का शेर याद आया मुझे, ऐसा नवाज दिल में न कुछ आरजू रहे, ऐसा नवाज दिल में न कुछ आरजू रहे, मैं जिस तरफ उठाऊं नजर तू ही तू रहे, सजदा करूं तसव्वुरे जाना को लेके जब, सजदा वही है जिसमें सनम रूबरू रहे, वो और होंगे जिनको है जन्नत की आरजू, लेकिन दया रे यार मेरे रूबरू रहे, लेकिन दया रे यार मेरे शेर पढ़ रहा हूं इस गजल का, और आठ दस शेर है इसके, मगर नसीब भाई ने वक्त दिया है इसलिए आखिरी शेर। नसीब भाई आइए, हमारा भी नसीब जगाइए, और ये शेर उनके लिए भी, तनवीर भाई के लिए भी, और नसीब भाई के लिए भी। भला आपकी हकीकत, भला आपकी हकीकत मेरे यार क्या बयां हो, भला आपकी हकीकत मेरे यार क्या बयां हो, मैं बस इतना जानता हूं, मैं बस इतना जानता हूं कोई आसरा उलझी हुई सी जुल्फे गिरागिर को देखो, दिल क्यों ना गिरफ्तार हो जंजीर को देखो, फिर बाद में कह लेना दीवाना मुझे लोगो, पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो, जिस तरफ देखूं उधर आता नजर चेहरा तेरा, हर कोई आशिक तेरा हर कोई है शहदा तेरा, चांद में तुझको कहूं तो कौन मानेगा इसे, चांद में भी दाग है बेदाग है चेहरा तेरा, I'm not afraid to die.
वाकई आपने मूड बना दिया। अगर फैज भाई इजाजत दें तो एक शेर मैंने कहा है, मुझे जो भी मिल रहा है, मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरे यार की अता है। वाह 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 क्या बात है। मुझे जो भी मिल रहा है मेरे यार की अता है। अरे हट हट हट, ऐ ज़माने तुझसे मेरा, ऐ ज़माने तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं। दिल में सिर्फ तुम हो, कोई दूसरा नहीं।